लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा नाम सुरेंद्र कठोरन पड़ेगा। कौन जीत रहे 2019? हमारे यहाँ से हमारे सांसद पंकज चौधरी जी भारी मतों से जीत रहे हैं। पंकज चौधरी ने क्या विकास काम आपके हाथ में? बहुत से विकास के कार्य किए हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम सड़कें जो देख रहे हैं सब उन्हीं का देन है। हमारे केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा पंकज चौधरी से अच्छे संबंध है। विकास की गंगा हमारे क्षेत्र में बह रही है। गन्ना किसानों का तो बहुत विकास हुआ है, इसके क्या कहेंगे? गन्ना किसान के मामले में हम कहीं चूक गए हैं, लेकिन चूंकि हम राजनेता नहीं है इसलिए इस पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हमको। विकास की यहाँ तक बात है, विकास हमारे सड़क का हुआ है, क्षेत्र का हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। रहने वाले कहाँ के हैं? यही निचलोल के रहने वाले हैं। आपके निचलोल की एक समस्या है जो कि आंधी जरा सी भी चलती है तो निचलोल नगर की लाइट चली जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर धीरे धीरे काम हो रहा है, जैसे बनारस में अभी आपने देखा, फिर आपने अयोध्या में देखा कि मोदी जी सारे लाइन को अंडरग्राउंड करा रहे हैं। एक हम लोग वैसे भी अति पिछड़े जगह से आते हैं, धीरे धीरे वो कोई भी चीज जब चलती है तो लास्ट में यहाँ तक पहुँचती है। आपके सांसद माननीय पंकज चौधरी जी यहाँ से 5 मरतबा सांसद इसके पहले रह भी चुके हैं, वर्तमान सांसद वही है। कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर में जो विकास हुआ है, क्या उसके मुकाबले महाराजगंज में विकास हुआ है? अब मुकाबले की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र जहां जिस परिवेश में है, जिस जगह पे है, उस हिसाब से हमारे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। 2007 में निचलोल डिपो महाराजगंज से संचालित होने लगा निचलोल के नाम से, इस पे क्या कर लिया? आज भी हमारा निचलोल डिपो के नाम से ही संचालित है। इसको भी रोकने का काम हमारे भाजपा के लोगों ने ही किया था। नहीं, निचलोल से क्यों नहीं संचालित हो रही है? ये वो विभाग की कुछ मजबूरियां होंगी, उतनी गहराई से हमको जानकारी नहीं है। इसमें आप पंकज सांसद पंकज चौधरी से कभी कोई चर्चा किया है? चर्चा हुई थी, उन्होंने ही कहा था, वो थे महन दुबे जी थे, उन लोगों ने बताया था कि हम लोगों के ही प्रयास से उसको रोका गया, नहीं तो आज महाराजगंज डिपो लिखा जाता।